हेलो दोस्तों, मैं हूं हरि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत कवर करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, मिडियेवल इंडिया पार्ट 3। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुकी है मध्यकालीन भारत की, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने कवर करवाई थी भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसके अंतर्गत दो शासकों के बारे में कवर किए गए थे। पहला था महमूद गजनी और दूसरा था मोहम्मद गोरी के बारे में। जिन किन्हीं दोस्तों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल के बारे में। इनका जो ईस्वी रहा था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जी दोस्तों, सल्तनत काल का जो ईस्वी रहा था ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत, सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से वंशों के बारे में कवर करने वाले हैं। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा जो अंतिम है लोधी वंश। दोस्तों लोधी वंश के बाद उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य में प्रवेश करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोधी वंश के बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में कवर करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश के बारे में। पहला है हमारा गुलाम वंश, जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं इंग्लिश को इसलिए साथ लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंस हो चुकी है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग को इंग्लिश में ही हिंदी को कन्वर्ट, मतलब इंग्लिश इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश ना कहकर सलेब डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, तो आप जानते हुए भी एग्जाम में गलती कर बैठते हैं या तो जवाब ही नहीं देते हैं इसका, कि सलेब डायनेस्टी का संस्थापक कौन था। जबकि इजी है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट, हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा तो गुलाम वंश ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का फोटो और नीचे मैंने लिख भी दी है कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने कहा था आप लोग को इसके साथ साथ आप लोगों को फोटो भी इंक्लूड रहेगा ताकि अच्छी तरह से जल्दी वे में याद हो सके, ठीक है दोस्तों। क्योंकि फोटो रहने से हम लोग जल्दी वे में दिमाग कवर करता है और हम लोग याद भी कर पाते हैं जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इस बार अगर पिछले वीडियो से ही फोटो इंक्लूड करनी स्टार्ट कर दी है। तो चलिए आज हम लोग कवर करेंगे गुलाम वंश के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम वंश की जो स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का क्या था, एक गुलाम हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इसे ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ये कभी कहीं भी कोई भी YouTube चैनल में आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसे ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अगर जो थोड़ा सा ज़्यादा डीप पूछा जाता है तो कभी कभी ये देखने को मिलता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड करा है। नोट कहता है गुलामों को फारसी में बदगो कहा जाता था तथा इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुलाम जो हुआ करते थे उन्हें फारसी भाषा में बदगो के नाम से जाना जाता था और इन्हें क्या, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गद्दी पर, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था, वो 24 जून 1206 ईस्वी को अपना गद्दी संभाला था, ठीक है, अपना राज्याभिषेक किया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। जो कुतुब मीनार की नींव डालने का जो श्रेय जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा कुतुब मीनार का फोटो, मैंने लिख भी दी है कुतुब मीनार, और ये है कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में। इससे क्या है कि कभी कभी एग्जाम में जो है प्लेस भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों।
नोट मैंने एक इंक्लूड करा है कि इसका निर्माण कार्य पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बोलता है कि नींव जो डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मैंने फिलहाल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली का जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर का जो ढाई दिन का झोपड़ा है नामक जो मस्जिद है, इनका जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। मैंने इनकी फ़ोटो भी इंक्लूड करी है। देखिए, पहला जो है आपका फिगर जो वन दिखा रही है वो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का फिगर है जो दिल्ली में है, और दूसरा जो है फिगर टू वो ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर, अजमेर है क्या दोस्तों, राजस्थान में है, ये आपका ढाई दिन झोपड़ा का फिगर हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है कि आप लोग को बहुत अच्छी वे में याद हो सकेगा, इसलिए मैंने फोटो भी इंक्लूड करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, ध्यान रखिए दोनों, लाख बख्श का जो यहाँ पर मीनिंग निकलता है वो लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन जो है वो लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ देखने को भी मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ऐबक का जो सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी को जाता था। ठीक है, देखिए ये पहले का है नालंदा विश्वविद्यालय का फोटो, और ये अभी का है नालंदा विश्वविद्यालय का फोटो। ठीक है, पहले में इस तरह दिखता था और अभी जो है ये इस तरह दिखता था। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ दोस्तों, बिहार राज्य में। ठीक है, ये राजगीर में है और नालंदा के समीप पड़ता है। ठीक है, अगला लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पूछता है कि जो ऐबक की मृत्यु हुई थी वो किस खेल को खेलते समय हो गई, तो चौगान, चौगान बोले तो गोल्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, घोड़े में क्या बोलते हैं बैठकर, ये स्टिक के द्वारा एक ड्यूज गेंद रहती है उसको क्या बोलते हैं गोल पोस्ट तक ले जाया जाना रहता है, उस वही खेल है दोस्तों। तो ये था चौगान खेलते समय क्या है ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका जो शव को दफनाया गया था वो लाहौर में ही दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक रहा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में रहा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप जैसे बहुत से ज़रूरतमंद स्टूडेंटों को ये वीडियो प्राप्त हो सके। और पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइनिंग करना ना भूलिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइनिंग करके हमारा ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक लेते हैं, नेक्स्ट में आप लोगों को नेक्स्ट के बारे में पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में के रहेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।